अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। द ब्यूटीफुल मंथ ऑफ द ईयर, रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। इतना खूबसूरत महीना है, बहुत प्यारा बरकतों वाला महीना। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े और बातें कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने रमज़ान की कुछ डेकोरेशन की थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। चलिए डेकोरेशन स्टार्ट करती हूँ कि मैंने किस तरह से की है, फिर उसके बाद रमज़ान की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये वाला जो एरिया है, मैं इस एरिया में ये सारी डेकोरेशन करना चाहती हूँ। यहाँ पर मतलब जानिमाज भी इधर बिछाऊँगी, कुरान मजीद और जितनी मतलब सूरतें वगैरह जो कुछ है वो सब यहाँ पर मैं करूँगी, क्योंकि यहाँ फिर सुकून से हम कर सकते हैं। रूम के अंदर ही यहीं पर डेकोरेशन करूँगी। तो फ़िलहाल ये वाली चेयर मैं उठा के अपने बाहर वाले रूम में रखूँगी और ये बलून्स वगैरह भी मैं बाहर रख दूँगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि जो ये वाला कार्ड के साथ मिला दूं ताकि मैं यहाँ इसके ऊपर नमाज भी अच्छे से पढ़ सकूं, और अगर मैं यहाँ बैठ के कुरान मजीद पढ़ना चाहूं या कुछ भी पढ़ना चाहूं तो यहाँ पर मैं टेक लगा के पढ़ सकूं। ठीक है, अब मैं इसको पहले साफ़ करूंगी और फिर इसको यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ। कुछ सामान जो मैं ऊपर से ले आई हूँ डेकोरेशन के लिए, ये कपड़े वगैरह, कुछ फ्लावर। तो मैंने कहा कारपेट बिछाने से पहले मैं थोड़ा सा मॉप कर लूँ, इससे अच्छा है ना, सफाई होनी चाहिए, साफ़ सुथरा। चलिए जी, ये करके कारपेट बिछा के आगे डेकोरेशन स्टार्ट कर। अच्छा जी, मैंने अब कारपेट बिछा दी है इसके साथ, और ये दो छोटी मेज़ भी रख ली है मैंने इसके साथ। अब इसके ऊपर मैं एक और कवर लगा दूँगी, ऊपर चीज़ें वगैरह, कुरान मजीद और कुछ किताबें वगैरह और तस्बीह वगैरह जो भी होती है ना रमज़ान के मुताबिक जो चीज़ें, वो सारी इस पर रख दूँगी, और डेकोरेशन वगैरह भी। और दीवार पे इस तरह कपड़ा लगा दी, इस पर मैं रमज़ान मुबारक और लंटेन वाले जो मैंने बैनर बनाए थे वो लगाऊँगी। चलिए जी, लगाते हैं फिर आप साथ साथ। ये लैंटर्न मैंने आई थिंक पिछले साल बनाए थे, इसकी वीडियो भी मैं ऊपर लिंक पे दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप देख लें, बहुत ही इजी और बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे। इस ये मैं पहले बना चुकी हूँ पिछले रमज़ान में, बट मैं लगा नहीं सकी, तो इस बार मैं इंशाल्लाह लगाती हूँ इसको, लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने लैंटर्न यहाँ पर सारे लगा दिए हैं, इसकी वीडियो भी मैंने पिछले साल बनाई थी, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी या इस लिंक पे आप क्लिक कर लें, या इस वीडियो के एंड में ज़रूर आपको मिल जाएगी। इसके DIY मैंने किस तरीके से ये लैंटर्न बनाया था, लैंटर्न बैनर बड़ा खूबसूरत लगता है इसके। ये देखिए, मैंने इसके अंदर कटिंग की थी, ये देखें इसके इसके आगे मैंने इस किस्म की कटिंग कर ली थी, और पीछे जो है ना मैंने वो क्रैक पेपर होता है ना लाइट सा, वो मैंने लगा दिया था। जब हम इसको आगे से देखते हैं ना तो ये लुक देता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है, नियॉन कलर्स विद ब्लैक कॉम्बिनेशन। चलें अब अगली डेकोरेशन पे आते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतना खूबसूरत महीना आ रहा है। इंशाल्लाह ढेर सारी इबादत करेंगे और इस महीने की इतनी फजीलत है ना, इतनी ज़्यादा कि इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को रमज़ान की बहुत सारी बातें भी बताती रहूँगी इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम अल्लाह पाक हमारी सारी इबादत नमाज़ें रोज़े सब कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप सबको दुआओं में याद रखूँगी, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो मेरी ये डेकोरेशन पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं रमज़ान में आप लोगों के साथ और क्या क्या चीज़ें शेयर करूं, ठीक है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।